हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एसपी मिस्टर टेक। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सितंबर 3 को खेला जाने वाला जमैका थलवास एंड गायना अमेजन वॉरियर्स के बीच में फोर्थ मैच का प्रिडिक्शन। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए, और हाँ अगर चैनल पर न्यू है तो अभी हमारा इस चैनल एसपी मिस्टर टेक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर टैप कर देना। फ्री में क्रिकेट का प्रिडिक्शन आपको हर रोज इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये दोनों ही टीम यानी कि जमैका थलवास और गायना अमेजन वॉरियर्स का प्रिडिक्शन करते हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, जो एक मैच है जमैका थलवास ने खेल चुका है दोस्तों, और उसमें से क्या कमाल का बैटिंग किया था, और जमैका थलवास ने बहुत ही आसानी से वो मैच जीत गया था। जबकि गायना अमेजन वॉरियर्स के लिए ये मैच नया मैच है, मतलब पहला मैच है अपना, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले ये दोनों ही टीम का कुछ पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं, यानी कि लास्ट 6 मैचेस में ये दोनों ही टीम का परफॉर्मेंस कैसा रहा है ये हम पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों जो लास्ट 6 मैचेस का अगर बात करेंगे, तो जमैका और गायना का अगर, तो यहाँ पर 3 मैचेस दोस्तों जमैका ने जीता है और 3 मैचेस हारा है दोस्तों। जबकि गायना का भी सेम है दोस्तों, इसने भी 6 मैचेस में से 3 मैचेस जीता है और 3 मैचेस हार गया है। तो दोनों ही टीम का अगर बात करेंगे दोस्तों, तो 50-50% रहता है यहाँ पर, एक जीतते हैं एक हारते हैं, तो इसी प्रकार का कुछ रहता है। और इसके साथ साथ अगर बैटिंग एवरेज का देखा जाए, तो जमैका का अगर बैटिंग एवरेज आप बोलेंगे तो 170 रहता है, जबकि गायना का 146 रहता है। तो यहाँ पर जमैका थलवास का बैटिंग अटैक तो आप बढ़िया बोल सकते हो। बॉलिंग एवरेज का बात करेंगे तो यहाँ पर 7.96 रहता है दोस्तों जमैका का, और 7.33 रहता है दोस्तों गायना अमेजन वॉरियर्स का। तो यहाँ पर अगर लास्ट 6 मैचेस का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाए, तो दोनों ही टीम का रिकॉर्ड अगर बात करेंगे तो 50-50% ही रहता है। अभी बात करेंगे दोस्तों ये दोनों ही टीम का हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा है, मतलब जब जमैका थलवास और गायना अमेजन वॉरियर्स एक दूसरे से भिड़े हैं दोस्तों, तो उसमें से रिकॉर्ड कैसा है। तो दोस्तों ये दोनों ही टीम के बीच में अभी तक अगर बात करेंगे, सीपीएल में 34 मैचेस खेला जा चुका है, जिसमें से जमैका थलवास ने 8 मैचेस जीता है, गायना अमेजन वॉरियर्स ने 14 मैचेस जीता है, 1 मैचेस अबंडेंट रहा है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि जमैका थलवास यहां पर अगर बात करेंगे तो गायना से बहुत पीछे रह रहा है, जबकि गायना अमेजन वॉरियर्स अच्छा दिख रहा है दोस्तों अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड, स्पेशली अगर जमैका थलवास के अगेंस्ट में, तो बढ़िया खेला है। अभी बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर पिच रिपोर्ट क्या कहता है, तो जो ये मैच हो रहा है वो सेम पिच पर ही हो रहा है, जो कि है वार्नर पार्क। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो टोटल 70 मैचेस खेला गया है, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाला टीम 32 मैचेस जीता है, सेकंड बैटिंग करने वाला टीम 37 मैचेस जीता है, 1 मैचेस टाई रहा है। फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज स्कोर यहाँ पर 165 है, और हाई स्कोर यहाँ पर जमैका थलवास ने बनाया है, ये ध्यान रखिए 255 है। लो स्कोर भी जमैका थलवास ने बनाया था, जो कि 80 रन था। स्कोरिंग पैटर्न का बात करेंगे तो बिलो 150 21 टाइम्स, 150 से 169 25 टाइम्स, 170 से 189 10 टाइम्स, और 190 प्लस 14 टाइम्स हुआ है दोस्तों इसी ग्राउंड पर। दोस्तों ये एक ऐसा ग्राउंड है जहां पर बॉलर्स को भी अच्छा खासा मदद मिल जाता है, और यहां पर बैट्समैन को थोड़ा बहुत तो परेशानी उठाना पड़ेगा, लेकिन जो सेकंड बैटिंग करता है दोस्तों जो भी टीम, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लक्की साबित होता है दोस्तों ये ग्राउंड, यानी कि आप आसानी से ये मैच को जो है चेस कर सकते हो। अभी बात करेंगे दोस्तों इसी ग्राउंड पर रिकॉर्ड क्या कहता है ये दोनों ही टीम का, तो भाई इसी ग्राउंड पर ये दोनों ही टीम के बीच में अभी तक अगर बात करेंगे तो 5 मैचेस ऑलरेडी खेला जा चुका है, जिसमें से जमैका थलवास ने ओनली 1 मैचेस जीता है दोस्तों, जबकि गायना अमेजन वॉरियर्स ने 4 मैचेस जीता है। तो आप खुद ही देख सकते हो, हेड टू हेड हो या फिर स्पेशली अगर इसी ग्राउंड पर यानी वार्नर पार्क का अगर बात करेंगे, तो यहाँ पर गायना अमेजन वॉरियर्स बहुत ही अच्छा दिख रहा है अगर कंपेयर करेंगे जमैका थलवास के अगेंस्ट में। लेकिन जो पिछला मैच हुआ था दोस्तों, यहाँ पर जो जमैका ने जैसा अपना स्टार्ट किया है इस सीजन का, तो डेफिनेटली जमैका को इस बार टक्कर देना दूसरे टीम के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अभी बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर ये दोनों ही टीम का प्लेइंग 11 कैसा रह सकता है, तो सबसे पहले हम जमैका थलवास का बात करेंगे। तो भाई जमैका थलवास के पास आपको ब्रेंडन किंग, आमिर जांगो, और इसके साथ साथ रोवन पॉवेल, शमरा ब्रुक्स, फेविन एलन, केनर लुइस, इमाद वासिम, क्रिस ग्रीन, मोहम्मद आमिर, मेकल पेट्रियर्स और निल्सन गोर्डन जैसे प्लेयर देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये हम पर अगर ध्यान से आप देखिए, तो बैटिंग अटैक बहुत ही अच्छा दिखता है इस टीम का, और बॉलिंग भी बहुत ही तगड़ा है दोस्तों अगर बात करेंगे जमैका थलवास का। बात करेंगे दोस्तों सेकंड टीम जो कि है गायना अमेजन वॉरियर्स, तो यहाँ पर आपको पॉल स्टर्लिंग, साई होप, और इसके साथ साथ सिमरन हेटमेयर, कोलिन इंग्राम, हेनरिक क्लासेन,
और आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों जमरन ब्लैकवुड, किमो पॉल, गुटकश मोटी, ओडन स्मिथ, रोमारियो शेफर्ड, इमरान ताहिर जैसे प्लेयर। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारा इंटरनेशनल प्लेयर्स है, बहुत ही अच्छा टीम आप बोल सकते हो यहाँ पर गायना में जन वॉरियर्स को, जबकि यहाँ पर जमैका थलवास के पास भी बहुत ही तगड़े प्लेयर है दोस्तों। तो देखिए सब कुछ तो हम बता ही दिए हैं, अभी बारी है हमारा पर्सनल प्रिडिक्शन क्या कहता है दोस्तों इस मैच को लेके। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आपको इस मैच का फिक्स रिपोर्ट चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है, इस नंबर को आप सेव करके व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, मिल जाएगा दोस्तों आपको इस मैच का फिक्स रिपोर्ट। वीडियो के कमेंट सेक्शन पर पिन कर दूंगा, इनका नंबर को चेकआउट जरूर कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ध्यान से कि दोनों ही टीम पर बैटिंग अटैक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पॉपुलर प्लेयर्स है और बॉलिंग भी बहुत ही अच्छा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ देखा जाए तो आपको तो पता है दोस्तों क्या हो रहा है कि यहाँ पर गायना में जन वॉरियर्स ने अच्छा दिखता है। लेकिन अभी का जो सिचुएशन का बात करेंगे, हालांकि गायना में जन वॉरियर्स ने अभी तक एक मैचेस नहीं खेला है, जब वो खेलेगा तब पता चलेगा कि भाई ये भी कैसा खेल रहा है। लेकिन अभी के लिए तो भाई जमैका थलवास बहुत ही अच्छा खेल रहा है। तो आप डिसाइड करके नीचे कमेंट कर सकते हो कि आपके हिसाब से कौन सा टीम ये मैच को जीत सकता है, जरूर कमेंट करिए। हम हर किसी का कमेंट का रिप्लाई भी करते हैं और यहाँ पर देखते भी है कि हाँ आपके हिसाब से क्या लगता है कौन सा टीम जीतेगा। तो दोस्तों मेरे बात करेंगे और मेरा पर्सनल प्रिडिक्शन का बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इस मैच का विनर गायना में जन वॉरियर्स हो सकता है। जबकि आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। पूरे वीडियो वॉच के इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।